अस्सलाम वालेकुम। हम बदर आलम समेजो, लेक्चरर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सक्कर। सो प्रीवियस लेक्चर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में को डिस्कस कर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। तो जैसा कि हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में तीन मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल छोटा पार्ट और ये एब्डोमेन की लोअर साइड में रखा हुआ होता है। इट गिव्स ऑफ, इसमें से एक छोटी सी फिंगर लाइक 18 सेंटीमीटर की एक प्रोजेक्शन निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का नाम देते हैं। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। ये ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका कोई ह्यूमन में रोल नहीं होता, लेकिन जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म है, उन हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म में इस अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, और वो बैक्टीरिया सेल्यूलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं और इस एंजाइम की मदद से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज के हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इस तरह के नहीं होते जो कि सेल्यूलेस पैदा करें। और सीकम के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है इसका कोलन। कोलन एक बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ये यहाँ से आप देख रहे हो कि ये कोलन का एक पार्ट ऐसा है जो कि ऊपर जा रहा है और ये फिर नीचे यूं ट्रांसवर्स जा रहा है और ये फिर नीचे आ रहा है, और एक पार्ट ऐसा है जिसमें यूं थोड़ा सा एक जो है वो ट्रंक टाइप है। तो ये चार टाइप्स इसमें पार्ट हैं। ऊपर जाने वाला असेंडिंग कोलन, यूं जो रखा हुआ है दैट इज ट्रांसवर्स कोलन, और जो नीचे आ रहा है वो असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और जो यूं थोड़ा सा जिगजेग है दिस इज व्हाट सिग्मोइड कोलन। तो कोलन का जनरल फंक्शन ये है कि अनडाइजेस्टेड फूड कोलन की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से इसमें से ज़्यादा देर तक पास हो रहा होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर है, ज़रूरत के मुताबिक वो फूड से एब्जॉर्ब होगा, साल्ट्स यहाँ पर से एब्जॉर्ब होंगी, और यहाँ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए विटामिन्स और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड वगैरह बनाते हैं जो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं। तो ओवरऑल कोलन का फंक्शन ये है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, एक्स्ट्रा साल्ट को एब्जॉर्ब करवाना, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना, अमाइनो एसिड जो बैक्टीरिया की मदद से बने उनको एब्जॉर्ब करवाना, विटामिन्स जो बैक्टीरिया ने बनाए उनको एब्जॉर्ब करना, और इन बैक्टीरियाज के रहने की जगह भी मेनली यही होती है। तो नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम हमारे एलिमेंट्री केनाल का लास्ट पार्ट है, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड सब प्रोसेसेस के बाद आके रुकता है। सो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल पासेस डाउन इनटू द कोलन एंड रेक्टम वेयर वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। यहाँ पर भी यानी जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर वगैरह वो एब्जॉर्ब होते हैं। सम मेटाबॉलिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम इन एक्सेस ऑफ इन द बॉडी आर एक्सक्रीटेड एज अ साल्ट अलॉन्ग विद फीसिस। इवन हमारी बॉडी की जो कैल्शियम एक्स्ट्रा होती है वो बॉडी इसमें सीक्रेट भी करती है मुख्तलिफ साल्ट के फॉर्म में, ताकि वो बॉडी से बाहर खारिज भी हो जाए। वेन रेक्टम इज फुल, जब रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड से भर जाता है, सो दिस रिफ्लेक्स गोज टू द ब्रेन एंड ब्रेन फील्स दैट नाउ वी हैव टू डेफिकेट। फीसिस पास आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन, और उसके बाद जो फीसिस हैं वो इजेशन के प्रोसेस के जरिए से बाहर खारिज करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। मैनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन।
दे सिंथेसाइज अमाइनो एसिड सम विटामिन्स लाइक विटामिन के विच आर देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल की जो आखिरी ओपनिंग है उसका नाम है एनस। इस एनस का काम यह है कि इसके जरिए से डेफिकेशन यानी अनडाइजेस्टेड फूड को खारिज करने का प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इजेशन। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल इज एनस। इट इज यूज्ड इन इजेशन। इसका काम यह है कि इसके जरिए से इजेशन होती है। द बल्क ऑफ फीसेस कंसिस्ट ऑफ डेड बैक्टीरिया सेल्यूलोज एंड अदर प्लांट फाइबर्स डेड म्यूकोसल सेल्स म्यूकस कोलेस्ट्रोल बाइल पिगमेंट डेरिवेटिव्स एंड वाटर। ये सारा मिक्सचर जो है वो क्या कहलवाता है? फीसिस कहलवाते हैं। फीसिस पास आउट फ्रॉम रेक्टम थ्रू एनस। फीसिस जो है वो रेक्टम से पास होते हैं बॉडी से बाहर किसके जरिए से? एनस के जरिए से। अब एनस को की जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए एनस के पास दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सो जो इंटरनल स्फिंक्टर है कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। इसको कंट्रोल करने वाले जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं और वो काम करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर। और दूसरा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है कंसिस्ट ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स, यानी ये स्केलेटल मसल्स की तरह होती हैं और दे वर्क अंडर द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। इंटरनल एनएस की स्फिंक्टर की जो ओपनिंग है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। तो जब ये दोनों स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो डेफिकेट हो जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से और यूँ हमारा जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट लेक्चर में जो डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।